यह वीडियो जीव विज्ञान क्लास 11 चैप्टर 16 का पार्ट 5 है। यदि आपको इस वीडियो को अच्छे प्रकार से समझना है तो इसके पहले के वीडियो को आप देख लें, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पाचन पढ़ा है और पाचन में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मुंह में भोजन का पाचन होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा किस प्रकार से आमाशय में भोजन का पाचन होता है और अब हम लोग देखने वाले हैं कि छोटी आंत में कैसे भोजन का पाचन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अब हम लोग को यह समझ लेना है कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी चीज़ों का फाइनल यहां पर पाचन होगा, यानी कि पूर्ण रूप से यहां पर पाचन होगा। और इस पाचन में मुख्य रूप से किसकी भूमिका होगी? तो यहां पर मुख्य रूप से एंजाइम्स की भूमिका होगी। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें पाचन होता है। छोटी आंत की पेशीय स्तर कई तरह की गतिविधियां उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब अब भोजन कहाँ आ गया है? छोटी आंत में आ गया है और वहाँ पर कई प्रकार की गतियां उत्पन्न होगी जिससे कि भोजन का पाचन होगा। तो अब आपको समझना है कि ये जो छोटी आंत में पाचन हो रहा है तो उसके पाचन में कहाँ कहाँ से रस आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लीवर के बारे में पढ़ लिया है, यकृत के बारे में पढ़ लिया है। तो इस लीवर का स्राव यानी कि यकृत का स्राव छोटी आंत में आएगा। दूसरा हम लोग को यह जानना है कि पैनक्रियाज हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय से भी पाचक रस आएगा जो कि भोजन को पचाने में मदद करेगा। और इसके बाद जो तीसरा है वह तीसरा आप जानते हैं छोटी आंत की ग्रंथियां। तो छोटी आंत की ग्रंथियों से भी यहां पर बहुत सारे केमिकल्स का या बोलें कि यहाँ पर एंजाइम्स का स्राव होगा जो कि भोजन को पाचन करने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार से तीन नाम हो गया, पहले यकृत का स्राव हो गया, दूसरा अग्नाशय का स्राव हो गया और तीसरा छोटी आंत की जो ग्रंथियाँ हैं उसका स्राव हो गया। तो हम लोगों को देखना है कि कैसे ये सब मिलकर भोजन का पाचन करते हैं। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नालिका द्वारा पित्त अग्नाशयी रस और आंत्र रस छोटी आंत में छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का नाम दिया हुआ है। पहले है यकृत अग्नाशयी नालिका द्वारा पित्त, पहले हो गया पित्त आएगा, मतलब कि यकृत का स्राव को हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं, तो वह आएगा। दूसरा है अग्नाशयी रस है जो कि अग्नाशय के द्वारा होगा और छोटी आंत्र रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। और ये आंत्र रस कहाँ आएंगे, छोटी आंत में। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया। अब देखना है कि अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है। तो अग्नाशयी रस में सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये यकृत में क्या होगा, पित्त होगा। उसके बाद अग्नाशयी रस में क्या होगा, तो अग्नाशयी रस में एंजाइम्स होंगे और उन एंजाइम्स के नाम क्या है वो आपको याद कर लेना है। पहला है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा क्या है काइमोट्रिप्सिनोजेन, फिर क्या है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसके बाद क्या है अमाइलेज और फिर क्या है न्यूक्लियेज एंजाइम। निष्क्रिय रूप में होते हैं ये सब, किस रूप में होते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं, लेकिन कुल मिला के अग्नाशयी रस में ये सारे एंजाइम्स आते हैं। तो आपको यदि प्रश्न आएगा कि अग्नाशयी रस में क्या क्या पाए जाएंगे, तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, न्यूक्लियेज एंजाइम प्राप्त होंगे। लेकिन ये किस रूप में है, निष्क्रिय रूप में है, मतलब ये एक्टिव रूप में नहीं है। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजेन सक्रिय ट्रिप्सिनोजेन में बदल जाता है। तो अब चलिए, अब छोटा छोटा प्रश्न आपको समझना है। अग्नाशयी रस आपने समझ लिया, ट्रिप्सिनोजेन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गया और ये सारे एंजाइम होंगे। तो अब यह देखना है कि आंत्र म्यूकोसा के द्वारा कुछ चीज स्रावित होगा। क्या स्रावित होगा, एंटेरोकाइनेज स्रावित होगा। क्या चीज स्रावित होता है, एंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजेन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। तो ये सब याद करना है कि अग्नाशयी रस में क्या है, ट्रिप्सिनोजेन है। ट्रिप्सिनोजेन क्या है, निष्क्रिय होता है, इसको सक्रिय कौन बनाता है, एंटेरोकाइनेज बनाता है। तो आप देख रहे हैं कितना टफ होगा। तो एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव बना देगा और ये क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन। तो अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनो ऐसे प लिख दीजिए, सिनो जेन से क्या बन गया, ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ट्रिप्सिनोजेन से क्या बन गया, ट्रिप्सिन। ये कैसा है, सक्रिय नहीं है, ये निष्क्रिय है। और ये क्या है, सक्रिय है। अब देखिए निष्क्रिय से सक्रिय बनाया कौन, तो एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। तो इसको एकदम रटना पड़ेगा आपको कि ट्रिप्सिनोजेन से क्या बनेगा, ट्रिप्सिन बनेगा। कैसे बनेगा, एंटेरोकाइनेज के द्वारा बनेगा। कौन निष्क्रिय है, ट्रिप्सिनोजेन निष्क्रिय है। सक्रिय कौन है, ट्रिप्सिन सक्रिय है। तो एकदम याद कर लेना है आपको। इसके बाद जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है, और इसके बाद वह क्या करेगा, अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को भी क्या करेगा, सक्रिय कर देगा। तो अग्नाशयी रस में क्या क्या एंजाइम है, ये सब अब क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। इतना आप समझ गए, अब चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रहणी में प्रवेश, ग्रहणी क्या हो गया, ड्यूओडेनम हो गया। में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक बिलीरुबिन एवं विलीवर्डिन पाए जाते हैं, जो कि साथ ही साथ पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसा को इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपको पूछेगा क्वेश्चन कि पित्त में क्या क्या पाया जाता है और इसमें इसका क्या क्या कार्य है। तो पित्त, सबसे पहले आप जान लीजिए पित्त कहाँ से निकल रहा है, तो लीवर से निकल रहा है, यकृत से निकल रहा है, ये पहला चीज होगी, आप समझ गए। दूसरा, पित्त में क्या क्या होगा, तो पित्त में क्या होगा, पित्त वर्णक होगा। सबसे पहला क्या हो गया, पित्त वर्णक हो गया। दूसरा चीज क्या हो गया, पित्त लवण होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल होगा, फिर फॉस्फोलिपिड होगा। ये हम लोगों ने लिख दिया पित्त के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पित्त का कार्य क्या है, तो पित्त का कार्य क्या है, ये क्या करता है, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है ताकि उस पर जो एंजाइम है वह एक्शन कर सके और वसा को पचा सके। तो पित्त का कार्य क्या हो गया, यह वसा का इमल्सीकरण करता है, ये आपको याद रखना है वर्ड इमल्सीकरण, और छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिससे कि यहाँ पर यदि एंजाइम आएगा तो वह वसा को पचा सकेगा। तो अब आप समझ गए। एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि यहाँ पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं रहता है, तो एंजाइम नहीं रहता है, यह भी याद कर लिए। तो तीन बात आपने याद कर लिया, पित्त का कार्य क्या होगा, सॉरी पित्त में क्या क्या चीज़ पाए जाएंगे, पित्त का कार्य क्या होगा और पित्त में कौन कौन से एंजाइम होंगे। तो देखा आपने कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आंत्र श्लेष्मा उपकला में ग्लोबलेट सेल होते हैं, ग्लोबलेट कोशिकाएं होती हैं जो कि श्लेष्मा का स्राव करती हैं। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ आंत्र में श्लेष्मा का स्राव कौन करता है, तो ग्लोबलेट सेल करती हैं, ग्लोबलेट कोशिकाएं करती हैं। अब चलिए म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और ग्लोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत स्राव अथवा सक्कर एंटेरिकस बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आंत्र का स्राव है। तो हम लोगों ने देखा तीन चीज, पहला चीज क्या देखा, पहला चीज हम लोगों ने देखा कि लीवर का स्राव, यकृत का स्राव जिसे बोल रहे हैं, दूसरा अग्नाशय का स्राव हो गया, दो चीज। और अब हम लोगों को देखना है आंत का स्राव। तो आंत का स्राव में यही देखना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस। तो इसमें कितने एंजाइम होंगे आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि ग्लाइकोसिडेज हो गया, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज हो गया, न्यूक्लियोसिडेज हो गया, ये सारे एंजाइम इसमें पाए जाएंगे। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर आंत में ग्लोबलेट कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करेंगी, जबकि म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और ग्लोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्र स्राव या सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे, इसमें होंगे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज और एस्टरेज, न्यूक्लियोसिडेज, ये एक ही नाम है, तो ये सारे एंजाइम होंगे। तो ये आप समझ गए। अब मान लीजिए यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि आंत्र स्राव यानी कि आंत का जो स्राव है या सक्कस एंटेरिकस है वह क्या है, तो इसमें आपको लिख देना है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे जिनका नाम आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि ये कहाँ से होता है, स्राव होता है, तो म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर सेल से और ग्लोबलेट सेल से इसका स्राव होता है। फिर से देख लीजिए, म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर से, तो किस चीज़ का म्यूकोसा, आंत का ही म्यूकोसा।
तो आंत की म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर से और ग्लोबलेट सेल से जो स्राव होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आंत्र स्राव बोलते हैं या फिर सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो ये अब छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करने होंगे। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। अब यहाँ पर देखिए कि म्यूकस जो यहाँ पर निकल रहा है वह क्या कार्य करेगा। यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि म्यूकस क्या कार्य करेगा, तो यह आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से इसकी रक्षा करता है, यानी कि अम्ल के दुष्प्रभाव से इसका क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाशय है, ये देखिए ये था अमाशय, याद होगा आपको। यहाँ का माध्यम क्या था, अम्लीय था, और ये अम्लीय माध्यम कौन बनाता है, तो HCl बनाता है। ये आपका VVI क्वेश्चन हो गया। और दूसरा, जैसे ही ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, छोटी आंत कह रहे हैं, तो उसका माध्यम का है क्या है, तो इसका माध्यम क्या है, क्षारीय है। ठीक है, इसका माध्यम क्या है, क्षारीय है। तो यही जो क्षारीय माध्यम है इसके एंजाइम को सक्रिय बनाता है, मतलब यहाँ से जो एंजाइम कार्य करेगा वह कैसे कार्य करेगा, वह क्षारीय माध्यम में कार्य करेगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए, आंत में पहुंचने वाले काइम की उपस्थिति में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटीओज और पेप्टोन्स आंशिक रूप से अपघटित प्रोटीन जिसे हम लोग कह रहे हैं, अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटित एंजाइम निम्न रूप से प्रक्रिया करते हैं। अब इसको आपको लगातार याद करना है। अब चलिए सबसे हम लोग पहले यहाँ पर देख लें थोड़ा सा, ये है आपका अग्नाशय, सॉरी ये है अमाशय। तो अमाशय से भोजन कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया आपका छोटी आंत में। तो हम लोग को देखना है छोटी आंत में कैसे कैसे पाचन होगा। तो आपने देखा था कि यहाँ जो अमाशय है वहाँ पर प्रोटीन किस रूप में था, प्रोटीओज के रूप में या पेप्टोन के रूप में उपस्थित था। ये क्या हो गया, ये प्रोटीन का आंशिक पाचन हो गया, मतलब आंशिक रूप से प्रोटीन यहाँ क्या हो गया है, पच गया है। और उसके बाद पूर्ण रूप से पचने के लिए कहाँ पर आ गया है, तो छोटी आंत में आ गया है। तो अब देखिए कि ये कैसे पचेगा प्रोटीन। तो अब प्रोटीन पे सबसे पहले कौन कार्य करेगा, अग्नाशय का रस कार्य करेगा, और उसके बाद आंत का रस कार्य करेगा। ठीक है, दोनों मिलके क्या करेंगे, अब प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचा देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अग्नाशय रस कैसे प्रोटीन को पाचन करता है। तो अग्नाशय रस में क्या रहेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन रहेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज रहेगा। तो ये प्रोटीन हो गया, पेप्टोन हो गया, पेप्टिडोज हो गया, इसको किस में बदल देगा, डाई पेप्टाइड में बदल देगा। किस में बदल देगा, डाई पेप्टाइड में। ये किसके द्वारा पाचन हो रहा है, अग्नाशय रस के द्वारा पाचन हो रहा है। और ये डाई पेप्टाइड पर आगे आंत का रस कार्य करेगा, वहाँ का एंजाइम कार्य करेगा और इसको पूर्ण रूप से एमिनो एसिड में तोड़ देगा। तो वो आगे मैं बता रहा हूँ। अब चलिए, ये तो हो गया प्रोटीन का बात। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे पाचन हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड जो मैंने बताया था स्टार्च, उसमें एमाइलेज मिलेगा और डाइसेक्राइड में बदल देगा। तो काइम के, काइम आपको याद है कि यहाँ पर जो अमाशय है वहाँ पर भोजन को पूरा चूर्ण कर दिया गया है, तो वहाँ पर से जो यहाँ पर आ रहा है आपका कहाँ पर, आंत में आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइम। यानी कि ये जो भोजन को पूरा चूर्ण करके एकदम इसको जलीय विलयन बना दिया गया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइम। तो काइम में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, वसा भी प्रेजेंट है। तो प्रोटीन का पाचन हम लोगों ने देख लिया, अब देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ अग्नाशय रस के द्वारा ही करना है। तो एमाइलेज अग्नाशय से क्या निकल रहा है, एमाइलेज, जो कि इसको किस में बदल दे रहा है, डाइसेक्राइड में बदल दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि वसा का कैसे पाचन हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को तीनों चीज़ पढ़ लेना है। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, प्रोटीन का पाचन, फिर किसका देखा, पॉलीसेक्राइड का पाचन, अब हम लोग देख रहे हैं वसा का पाचन। आपको एकदम एक बात ध्यान देना है कि ये जो पाचन हो रहा है वह अग्नाशय के रस के द्वारा हो रहा है, मतलब ये किसके द्वारा हो रहा है आपका, ये पैनक्रियाज के जूस के द्वारा भी पच रहा है, अभी आंत का रस कार्य नहीं कर रहा है। तो आंत के रस के द्वारा आगे हम लोग उसको पचाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वसा का पाचन कैसे होता है। तो वसा को कौन पचाएगा, लाइपेज नामक एंजाइम पचाएगा। तो लाइपेज नामक एंजाइम इसको पहले डाई ग्लिसराइड में बदल देगा और फिर उससे मोनोग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा।
तो वसा पित्त के मदद से, तो याद करिए पित्त वसा को कैसे पाचन करने में मदद करता है, तो पित्त वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है अभी तुरंत। तो पित्त वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा और उसके उसके बाद लाइपेज आएगा। लाइपेज कहाँ से आएगा, तो अग्नाशय के रस से आएगा, जो कि इसको डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा। इसके बाद अग्नाशयी रस के न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल को, ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है वह न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा, पाचित कर देगा। तो ये सब अग्नाशय रस के द्वारा हम लोग पाचन देख रहे हैं, किसके द्वारा, अग्नाशय रस के द्वारा। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न कि अभी ये पूरा कंप्लीट पाचन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आंसर है अभी कंप्लीट पाचन नहीं हुआ है। तो अब आप बोलिए कि ये कंप्लीट पाचन कैसे हुआ, तो आंत के रस के द्वारा होगा, आंत्र रस के द्वारा, यानी कि आंत्र रस में भी जो जो यहाँ पर एंजाइम है वो इसको पूर्ण रूप से फिर पचाएंगे। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, आंत्र रस आ चुका है। अब आंत्र रस के एंजाइम इन सभी प्रक्रियाओं में जो उत्पाद बने हैं उसको पूर्ण रूप से तोड़ने का कार्य करेगा। पाचन का यह अंतिम चरण होगा और जिसमें सारा जो यहाँ पर जो जो चीज़ बना है वो लास्ट रूप से टूट जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंत्र रस का कार्य। तो सबसे पहले डाइपेप्टाइड से क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन था, प्रोटीन से क्या बना, डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड से क्या बन गया, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल भी जिसे बोल सकते हैं, यह डाइपेप्टिडेज के द्वारा बना। तो अब आप बताइए ये डाइपेप्टिडेज कहाँ से आया, आंत्र रस से आया। इसके बाद ये देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है, ये है आपका डाइसेकेराइड, क्या है बताइए, डाइसेकेराइड। ठीक है, यह है डाइसेकेराइड। तो यह डाइसेकेराइड फिर मोनोसेकेराइड में यहां टूट गया, यह क्या हो गया सब, मोनोसेकेराइड हो गया। ठीक है, तो यह डाइसेकेराइड, तो सबसे पहले स्टार्च याद कर लीजिए, स्टार्च था, स्टार्च, स्टार्च से क्या बन गया, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड से क्या बन जाएगा, मोनोसेकेराइड। तो ये बताइए कि ये सारे एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं, तो आंत्र रस से आ रहे हैं। अब हम लोग ये जो पढ़ रही है आंत के द्वारा पाचन कर पढ़ रहे हैं, तो अब यहां सबसे पहला है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो जो दूध से बन रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज बोल रहे हैं। जो अन्न से बन रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, माल्टोज बोल रहे हैं, अन्न। और जो फल से बन रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुक्रोज बोल रहे हैं। ये दूध से बन रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज। तो लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम तोड़ेगा, माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम तोड़ेगा, सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम तोड़ेगा। और फिर इसको आपको याद कर लेना है, तो माल्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और सुक्रोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये अब आप बोलिएगा कि ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो ये सब याद करना होता है, सीधे समझ लीजिए इसको क्या करना होता है, याद करना। यदि आप इसको याद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एकदम क्लियर समझ लीजिए, प्रोटीन जो है उसका पाचन हम लोगों ने पूर्ण रूप से कर दिया, पूर्ण पाचन, यस। स्टार्च का हम लोगों ने पूर्ण रूप से पाचन कर दिया, पूर्ण पाचन। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने फैट को भी आगे देखेंगे कि फैट का पाचन कैसे होगा, तो फैट को ही पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर अब फैट का पाचन होगा। तो जब फैट को आप देखेंगे तो डाई व मोनोग्लिसराइड था वह वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल। तो यह लाइपेज, तो ये पूर्ण पाचन हो गया। तो अब आप क्लियर हैं, पहले प्रोटीन को हम लोगों ने पूर्ण रूप से पचा दिया, फिर कार्बोहाइड्रेट को, और फिर फैट को, फैट मतलब वसा। तो तीनों का पूर्ण रूप से क्या हो गया, पाचन हो गया। तो अब एक और आप याद कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कि ये जो न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से फिर क्या हो जाएगा, सरकरा और क्षारक में ये टूट जाएगा, इसको भी आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, ये हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर पाचन समाप्त होता है।
ऊपर वर्णित जैव वृहत अणुओं के पाचन की क्रिया आंत्र के ग्रहणी भाग से संपन्न होती है। तो आंत्र का कौन सा भाग संपन्न करा है, इसको ग्रहणी वाला भाग संपन्न करता है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत्र के अग्र छुद्रांत और छुद्रांत भागों में अवशोषित होती हैं। तो यह पच कहाँ रहा है, ग्रहणी भाग में, और पचने के बाद कहाँ पहुँच जा रहा है, अग्र छुद्रांत और छुद्रांत भाग में पहुँच रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो छोटी आंत है उसका तीन भाग है। कितना भाग है, तीन भाग। तो तीन भाग जो है, तो पहले वाले को हम लोग बोलेंगे ग्रहणी, उसके बाद अग्र छुद्रांत, और उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, छुद्रांत बोलेंगे। तो यहाँ पर भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचा, अग्र छुद्रांत में पहुँचा, फिर छुद्रांत में पहुँचा। तो अब भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। अपचित तथा अनाशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं, और इसके बाद जो पदार्थ पच नहीं पाते हैं और अनावशोषित होते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद मलाशय में वो पहुंच जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है, ये एकदम भी है, आप याद कर लीजिए कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का क्या कार्य है, तो क्वेश्चन यदि पूछेगा कि बड़ी आंत का क्या कार्य है, तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिख पाते, आप इसको लिख दीजिएगा कि कुछ जल खनिज एवं औषध का अवशोषण करता है, श्लेष्म का स्राव जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ के कणों को चिपकने और स्नेहक होने के कारण उनको बाहर निकालने में आसान बनाता है, तो वो सारा कौन करेगा, बड़ी आंत करेगा। अपचित और अवशोषित पदार्थ को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले मलाशय में रहता है। तो जो पदार्थ अपचित है, जिसको बॉडी के बाहर जाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल, जो कि कहाँ रहेगा, मलाशय में रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो बस ये हो गया, इसके ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद पाचित उत्पादों का अवशोषण कैसे होता है, तो इसको हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और क्या क्या चीज़ों के वीडियोज़ आपको चाहिए, रसायन के चाहिए या और भी जो भी चीज़ें वीडियो आपको चाहिए वो आप बताते चलिए, तो मैं उसे बनाऊँगा। धन्यवाद।